now let's see question number 47. A thin but long hollow cylindrical tube of radius r carries a current I along its length. तो thin है, like length बहुत like long है compared to the radius. So thin but long hollow cylindrical tube of radius r. So this it has a radius r and it carries a current I along its length. ऐसे ऐसे. और ये क्या है, a thin but long hollow cylindrical tube of carries a current I along its length. Find the magnitude of the magnetic field at a distance r by 2 from the surface inside the tube and outside the tube. So basically आप समझिए, तो ऐसे मान लो, तो ये r radius है, तो they are asking कि r by 2 दूरी बाहर और अंदर r by 2. अब देखिए कह रहे हैं कि along the, like it's like a conducting tube, तो along the length जो है current जो है hollow है और along the length है, तो बाहरी current होगी. अब basically अब हम लोग Ampere's law करने जा रहे हैं guys. तो this is like B dot dl is equal to mu naught I enclosed. ठीक है, ये है Ampere's. तो हमें क्या करना पड़ता है, एम्पीरियन लूप एक बनाना पड़ता है. तो मैंने ऐसे अंदर एक लूप बना लिया है. ठीक, तो बी डॉट डी एल, तो लूप बना लिया मैंने आर बाई टू का, बिकॉज रेडियस जो अंदर से इन्होंने कहा कि अंदर से आर बाई टू पे लो, तो बेसिकली सेंटर से एक्सिस से आर बाई टू ही. तो लूप अगर मैं इंटीग्रेशन, तो यहाँ कुछ नहीं, सिमेट्री है, तो बेसिकली दिस इज टू पाई आर बाई टू, तो ये कैंसिल, तो b इंटू पाई आर हो गया. तो म्यू नॉट, अब i इनक्लोज्ड कितना है, क्योंकि i तो बाहर है कंडक्टिंग सरफेस पे, तो अंदर क्या होगा, अंदर तो कोई करेंट ही नहीं है. तो जब करेंट ही नहीं है तो जीरो, तो इसलिए b जो है फर्स्ट पार्ट का आपका जीरो आ रहा है. क्लियर है ये बात, तो b इज जीरो बेसिकली. और एक सिमेट्री से भी इसको कर सकते हैं हम, जैसे कि मान लो अगर हम इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो देखो इस वायर की वजह से ऐसे और इसकी वजह से, ठीक है, ऐसे किया और इसकी वजह से देखो अंदर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. इसी तरह मतलब जितने भी छोटे छोटे वायर अगर ट्यूब को बना लें, तो भी सिमेट्री की वजह से ये कैंसिल हो रहा है. तो बेसिकली अंदर ट्यूब के अंदर देर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड. तो एम्पियर्स लूप बेसिकली स्टार्ट हो गया गाइस इस समय. अब मान लो यहाँ पर, तो यहाँ पर होने का मतलब कि हमने कुछ ऐसे लाइक किया और ट्यूब देखो कुछ ऐसे है बेसिकली. तो हमने ऐसे लूप लिया है, तो इसकी रेडियस देखो r प्लस आर बाई टू कितनी हो गई, 3r बाई टू. तो इधर की तरफ तो हो गया 2 पाई इंटू आर प्लस आर बाई टू, दैट इज 3r बाई टू. और म्यू आई इनक्लोज्ड, अब आई कितनी इनक्लोज्ड है, आई तो जो आई है वही इसके अंदर बंद है, इस लूप के अंदर से कितनी आई जा रही, जो आई जा रही है बेसिकली आई गिवन है हमें. तो अब ये कैंसिल हो गया गाइस, तो बी हमारा आ रहा है म्यू नॉट आई थ्री पाई आर. ये सेकेंड पार्ट का, यानी कि आउटसाइड द ट्यूब एट आर बाई टू डिस्टेंस. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 47. नाउ वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 48. Now let's do question number 48 and that will be the last of the day. तो question अच्छा है, थोड़ा आप सीखेंगे इसमें. A long cylindrical tube of inner and outer radii A and B carries a current I distributed. अब मैं इसको like आपको इस cross section से दिखाना चाहूँगा कि क्या बोला जा रहा है. तो यहाँ देखिए ये मतलब ऐसे cylinder आपकी तरफ ऐसे, जैसे ये है, ठीक है, pen दिख रहा है आपको, marker. तो ये है ए, ये हॉलो है और ये जो यहाँ से लेकर बी है गाइस, ठीक है. अब देख लेता हूँ मैं क्या कह रहे हैं, कहाँ चला गया. लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई, यानी इनर वाला ए है और आउटर वाला बी है, करेक्ट. एंड इट्स कैरिंग अ करेंट आई डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर दिस, यानी कि इस क्रॉस सेक्शन में करेंट आई जा रही है
पूरा फैल के इसमें पूरे अच्छे से, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ए जस्ट इनसाइड द ट्यूब, यानी जस्ट यहाँ कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, और जस्ट आउटसाइड द ट्यूब, यहाँ कहीं निकालो, जस्ट आउटसाइड। तो ये काफ़ी लाइक ईजी हो गया, एम्पियर लूप लगाएंगे। जैसे अभी मैंने बताया था कि अंदर आपके लूप के यहाँ कोई करेंट ही नहीं होगा, सारी करेंट तो यहाँ है, ठीक है। तो आप जब यहाँ लूप बनाएंगे गाइस, तो इस लूप के अंदर इनक्लोज्ड करेंट इज जीरो, तो बेसिकली पहले पार्ट में आपका आंसर जीरो आने वाला है। अब नाउ सेकेंड पार्ट में आ जाइए आप, तो सेकेंड पार्ट होता है इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो आई तो लाइक इनक्लोज्ड आई, इसके अंदर कितनी आई है, सारी की सारी ही आई है, तो ये आई हो गया मेरा। और लेंथ आप कितना लेंगे गाइस, तो बेसिकली हमें लेंथ तो 2πb लेना है, तो दिस इज 2πb इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो b क्या हो गया गाइस, म्यू नॉट आई अपॉन 2πb, ठीक है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंड्रिकल लूप आएगी, ठीक है गाइज। तो इसी के साथ ही हमारे 5 क्वेश्चंस आज एससी वर्मा से हो गए गाइज, एंड प्लीज़ डू द एससी वर्मा, बिकॉज अगर आप सोच रहे हैं कि विदाउट एससी वर्मा कुछ होने वाला है गाइज, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आप अगर कह रहे हैं कि आई एम वेरी बिजी, आई कैन नॉट डू दैट, तो इसका मतलब फिर आप क्या कर रहे हैं गाइज, बिकॉज आपको ये तो करना ही है, दिस इज़ लाइक योर फर्स्ट प्रायोरिटी, इट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी टू डू इट। आप किसी की हेल्प से करें या आप अपने आप करें, यू हैव टू डू दिस। और जब आप करते क्वेश्चंस तो यू हैव वन आइडिया, और आपको क्या करना है गाइस, मान लीजिए कि आप अपने आप कर लेते तो दैट्स वेरी गुड, नहीं कर पा रहे हो, मान लीजिए देख के कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल देखा और हो गया गाइस, तो एक आप क्या करोगे, फुल टेस्ट दो, 3-4 आवर्स में ट्राई टू कम्प्लीट द एंटायर चैप्टर, तब देखिए कि आपको तब समझ में आएगा कि आपको कितना आया कितना नहीं आया, ठीक है गाइज। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर विद मोर प्रॉब्लम्स, एंड वी आर अबाउट टू फिनिश दिस, एंड आई थिंक एक छोटा चैप्टर है गाइज थर्मल इफेक्ट्स ऑफ करेंट, उसको पहले हम लोग कर लेंगे, वहाँ पर हैं लेस क्वेश्चन, और इससे हमारी करेंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पोर्शन था वो कम्प्लीट हो जाएगा। देन वी विल डिसाइड कि किस चैप्टर में हमको बढ़ना चाहिए इन क्लास 12। तो थैंक यू गाइज, सी यू, और डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।